राधे राधे गुड इवनिंग मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी ब्लॉगर और इस जगह पे मैं मत रही हूँ मलाई क्योंकि मलाई को मैंने स्टोर करके फ्रिज में रख दिए थे और मलाई ये लगभग वन वीक की है इसको फ्रिज में रखे हुए जम गई थी काफ़ी और गाइस फीस उसके बाद इसको मैंने क्या किया जम गई थी तो इसको मैंने थोड़ा सा आग में पहले इसको गरम किए यानी इंडक्शन में रख दिए थे तो गरम हो गया जब गरम हो गया उसके बाद इसको मथना स्टार्ट किए हैं तो गाइज़ अगर आप इस में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे इसको मतने के बाद इसको रख देंगे फ्रीज में जब ये जम जाएगा तब निकालेंगे और फिर उसके बाद गाय मैं अपने बालों में डालने लगी हूँ तेल तो ये गाइस जय का तेल है हमारे यहाँ यानि ये सरसों का तेल है हमारे यहाँ कड़ुआ तेल भी बोलते तो मैं पूरे अपने बालों को अच्छे से मगर चम्पिंग कर कर के अब इसमें स्पीड इस बढ़ा दी तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ अपने सिर को मार रही हूँ बट ऐसा नहीं है मैं इतना तेज़ नहीं मार रही हूँ पूरे बालों में अपने मतलब तेल से पूरे बालों में चम्पिंग की क्योंकि इस समय मौसम जो है उतार चढ़ाव का है तो जैसे सर्दी टाइप की लगी हुई थी तो मैं जैसे हफ्ते में एक दिन ज़रूर करती हूँ क्योंकि बाल धुलने के पहले और मैंने आज तक बालों में मतलब सब कुछ किया मगर बालों में कोई अलग तेल नहीं लगाया मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सरसों का ही तेल लगाया है वो भी जब मुझे बाल धुलने रहते तो मतलब बाल तो हफ्ते में दो बार मगर तेल मैं दो बार नहीं डालती हूँ तेल तो एक ही बार डालती हूँ या फिर कभी कभी पंद्रह दिन बीत जाता है तो ऐसे करके मैं लगा रही हूँ और ये आइडिया मैंने अपनी मम्मी से सीखा मेरी मम्मी पूरे बालों में ऐसे करके तेल लगाती थी मगर अब बाल झड़ रहे हैं मेरे पहले बाल बहुत मोटे थे आ, तो यही रीज़न था अब जैसे जब से मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हो हुआ है फिर उसके बाद मेरे हार्मोन्स मतलब चेंज हुए हैं ट्यूमर का ऑपरेशन फिर एक में एक प्रॉब्लम लगी रहती तब से मेरे बाल जो हैं आप देख सकते हो बाल छोटे भी हो गए बट और मतलब झड़ भी रहे और बालों की ये भी समस्या है कि मेरे जब मैंने ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ उसके बाद तो मेरे बाल एकदम मुंडे हो गए थे मैं एकदम बुआई कट बाल करवा ली थी फिर उसके बाद से धीरे धीरे जाके मेरे बालों में ग्रोथ आई तो आप भी आपका जब भी सिर दुख है तो आप सिर में सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल लगाइए क्योंकि इस समय ठंड का सीजन है तो बालों में थोड़ा सा गरमाहट आएगी और थोड़ा चैम्पिंग करके लगाइए मतलब पूरे बालों में करके लगाइए तो इससे असर बहुत अच्छा होता है और ये शुद्ध तेल है ना कि कोई मिल मतलब मिलावट का नहीं है जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि सरसों का तेल तो मिलावटी आता है तो ये कोई मिलावटी नहीं है और गाइस ये आप देख सकते वही मलाई है तो मलाई को मैंने रखा इंडक्शन पे और इसको पहले से मतलब क्योंकि इंडक्शन पे रखे वन वीक से ये फ्रिज में रखी हुई थी तो ये पूरी तरह से जम गई थी इसीलिए लिए इस, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ा दिया है गरम होने के लिए क्योंकि जब ये गरम होगा तभी ये मतलब पिघलेगा तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा इसमें रख दिया है और उससे मैं थोड़ा सा जो फेंटने वाला होता उससे मैं थोड़ा सा मतलब फोड़ टाइप की रही थी मतलब फेंट रही थी जिससे जल्दी हो जाए और गाइस इस टाइम पे बज रहे होंगे कितना बज रहा रात के साढ़े ग्यारह या पौने बारह बजे का टाइम होगा और मैं कर रही हूँ वीडियो को एडिट क्योंकि सुबह फिर टाइम नहीं मिलता है गाइस तो उसके बाद और देखिए ये इसी कटोरे में रखे हुए थे तो गायज यहाँ पे मैंने यानी जो दही था दही को मैंने मत लिया मथने के बाद फिर बर्तन को मैं स्टैंड पे लगाने लगी हूँ बर्तन रखे हुए थे उनको स्टैंड पे लगा रही थी अच्छा ये बालों की वजह से देखो इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो तो लाइट का फ़र्क होता है तो ये हमको लगता बालों की वजह से है ये देखो फिर ऐसे करो तो फिर ऐसे उठा तो गायस प्लीज़ आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे और हाँ गाइज मुझे आप सभी लोगों का साथ चाहिए बड़ों का आशीर्वाद छोटों का प्यार और आप सभी लोगों का साथ चाहिए जैसे आप सभी लोगों ने अभी तक मेरा साथ दिए वैसे ही साथ दें क्योंकि आपके साथ से ही हम आगे चल सकते हैं वरना मैं आगे कुछ नहीं चल सकती हूँ तो ऐसे करके मैं अपने सारे बर्तन को इसमें लगाती हूँ और गाइस मैं डेली अपनी लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यानी मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ क्या नहीं वो सब कुछ गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फिर उसके बाद गाइस ये कुछ कपड़े थे तो इनको पहले ही मैंने धुल के रख लिए थे सिर्फ मुझे पानी से ही निकालने थे तो यहाँ पे मैं कपड़ों को पानी से निकाल निकाल के रख रही हूँ और प्लीज़ प्लीज़ गाइज मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हो सके वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस टाइम पे व्यू बहुत ही कम आ रहे हैं बहुत कम आ रहे हैं व्यू ना तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना ही मेरे व्यू ज़्यादा आ रहे हैं तो गाइस प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ स्टाइल इस इसमें दिखाती हूँ मैं सारा दिन क्या करती हूँ आपको डेली ब्लॉग इसमें देखने को मिलेंगे और ऐसे करके गए मेरे कपड़े हो गए और फिर उसके बाद जो भी पानी था टप का उसको भी मैं नहाने लगी हूँ क्योंकि वो इसी में नहा दूँगी और फिर उसके बाद भर लूँगी तो यहाँ पर टुल्लुल चला चल रहा है और टुल्लू जो है किचन में यानी मोटर जो मैंने किचन में ही लगाया क्योंकि ये देखिए आप किचन में साइड में लगा हुआ है फिर उसके बाद गैस यहाँ पे लगाने लगी हूँ मैं पोछे को आ, क्योंकि किचन में पहले ही मैंने ऊपर पहले ही साफ कर लिया था गैस को और ये नीचे साइड का था इसको भी साइड साफ़ करें और गैस ये देखो ये बालों की वजह से लाइट का असर पड़ता है मतलब लाइट आती जाती जैसे कभी डिम कभी तेज़ ऐसे होती रहती है तो मैंने पोछे को मार लिया है और फिर उसके बाद गैस और हाँ गाइज़ मेरा एक और चैनल है जिसका नाम माधुलिका यू पी आर बी एल है प्लीज़ गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे उस भी चैनल में आप लोग आइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा और देखो ये बिट्टू का बॉटल था इसको मैंने बॉयल किया बॉयल करने के बाद इसको भी धुल रही हूँ तो इसको पहले मैंने बॉयल कर लिया था फिर इसमें मैं निरमा डाल के ब्रश से अच्छे से साफ़ कर दूँ अच्छा बॉटल को कम से कम दिन में दो तीन बार साफ़ करना चाहिए तो मैं दिन में तीन बार अपनी बेटी की बॉटल को साफ करती हूँ सुबह दोपहर शाम मेरी बेटी थोड़ा सा बड़ी हो गई उससे बोलो बॉटल से दूध मत भी हो तो मगर वो मानती नहीं बोल बोलेगी मुझे बॉटल से मैं अभी छोटा हूँ ऐसे बोलेगी छोटा हूँ और फिर बाद में बोलती मैं बड़ा हो गया हूँ और फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो ये कुछ कपड़े थे इनको मैं फोल्ड करने लगी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा होगा लगभग छः साल का छः सात साल का है और बेटी जो है ढाई तीन साल की वो भी बहुत फैलाती सारा सामान फैलाती रहती है तो ये लोग जब सो जाते उसके बाद और देखो ये अलमारी में मैंने सारे कपड़े तय किए थे और ये कुछ कपड़े थे जिनको मैं अब अलमारी में रखेंगे और ये आप नीचे वाला ही खोल के रखें नीचे वाले में ही रख देंगे तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कल फिर मैं मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और गाइस अगर हो सके तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए लाइक भी कीजिएगा मेरे चैनल को मेरे बच्चे देखो सो रहे हैं तो गाइस